दोस्तों, यदि आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आपको पता है कि बिलिंग साइकिल होती है जिसमें आपको ड्यू डेट तक पेमेंट करना होता है, लेकिन वह बिलिंग साइकिल आपका जो है बैंक डिसाइड करती है आपके लिए। आपको जो ड्यू डेट आता है, यदि आपकी सैलरी में पेमेंट करने में आपको असुविधा हो रही है, आपका ड्यू डेट आप चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आपको जो है पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी यहाँ पर बिलिंग साइकिल चेंज से लेकर। देखो, बिलिंग साइकिल जो होता है वो बैंक द्वारा निर्धारित होता है, बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। हमारे पास कुछ कस्टमर आते हैं जिनकी सैलरी 30 या 1 तारीख को आती है, उन बिलिंग साइकिल चेंज करने को लेकर डिमांड करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी भी ये समस्या हो। तो आप बिलिंग साइकिल चेंज करने के लिए अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो मैं SBI क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी बताता हूं, और वही चीज हर जगह लागू होती है सभी बैंकों में। SBI क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको जो है तीन चीजों का ध्यान में रखना होता है बिलिंग साइकिल चेंज करने के लिए। सबसे पहले कंडीशन है कि आपके खाते पर कोई EMI एक्टिव नहीं होनी चाहिए। EMI आपने कैंसिल कर दिया, और उसके बाद आता है आपके खाते पर कोई ऑटो डेबिट फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो SSP हो चाहे ऑटो डेबिट फैसिलिटी हो, ये दोनों आपके एक्टिव नहीं होने चाहिए। और तीसरा ऑप्शन आता है कि आपका जो पिछला बिल बना था वो आपका पेड होना चाहिए। अगर आपने पिछले बिल का स्टेटमेंट जो आपका टोटल अमाउंट ड्यू बना था आपने क्लियर किया है, तो आप एलिजिबल हैं बिलिंग साइकिल चेंज के लिए। इसके लिए आप अपने कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का ऐप यूज करते हैं या वेबसाइट चलते हैं, वेबसाइट अगर यूज करते हैं तो आप जो है मेल बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं कार्ड रिलेटेड कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा और बिलिंग साइकिल चेंज रिलेटेड आप जो है मेल कर दीजिएगा। इसमें क्या होगा कि हमारे कस्टमर केयर के जो अधिकारी होंगे आपका जो बिलिंग साइकिल है वो चेंज कर देंगे। अब आता है समय, कितना समय लगता है इसको चेंज होने में। ज्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 7 वर्किंग डे में एक प्लान कंडीशन डेट आपको दी जाती है, उसके अंदर आपका चेंज हो जाता है। इस प्रकार से आप जो है बिलिंग साइकिल चेंज करा सकते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, बिलिंग साइकिल चेंज करने के लिए आपको जो है तीन चीजें कंपलसरी आपका जो है फॉलो करना होता है, जिसमें आपका पहला बिल आपका टोटल अमाउंट ड्यू या SSP एक्टिव नहीं होना चाहिए, टोटल ड्यू क्लियर होना चाहिए, जो आपका बिल बना है वो क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद कोई EMI प्लान, चाहे वो लोन का EMI प्लान हो चाहे फ्लेक्सी पे आपने किया हो, तो कोई भी लोन प्लान EMI प्लान एक्टिव नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है बिलिंग साइकिल चेंज के लिए। तो सिंपल कंडीशन है दोस्तों, आपको पता ही होता है कि आप कार्ड में क्या यूज कर रहे हैं। अगर आप अपनी बिलिंग साइकिल चेंज करना चाहते हैं तो पहले ये सारी चीजें क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद अपने कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, वहां से आपकी बिलिंग साइकिल चेंज कर दी जाएगी, आपकी रिक्वेस्ट दर्ज कर ली जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।